प्रोजेक्शन में मेनली प्रोजेक्शन बनाने की दो मेथड होती है, पहला फर्स्ट एंगल मेथड और दूसरा थर्ड एंगल मेथड। इसको समझने के लिए हम मेनली दो चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे हमने 2D पढ़ा था और 3D पढ़ा था। 2D और 3D में मेन डिफरेंस ये है कि 2D में x y z बनता है, लेकिन 3D में क्या होता है, 3D में x y z तीनों एक्सिस बनता है। इसका मतलब कहने के कहने के क्या है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कहने का यह है कि देखिए 2D में क्या होता है, 2D में सिर्फ दो डायमेंशन होते हैं। कैसे, जैसे हमारा ये व्हाइट बोर्ड दिख रहा है, यह अभी जब हम फ्रंट से देखेंगे तो यह 2D डायग्राम है, लेकिन जहाँ पे तीन एक्सिस है, तीन एक्सिस से कहने का मतलब कि जो हमारे आंखों से प्रत्यक्ष रूप से दिखे, जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हो, उसे हम 3D डायग्राम कहते हैं। अब एक चीज़ समझने की कोशिश करिए कि आपके जो प्रोजेक्शन में है, प्रोजेक्शन में हम सिर्फ दो ही मेथड यूज करते हैं। दो मेथड में से पहला फर्स्ट एंगल मेथड, दूसरा थर्ड एंगल मेथड। अब फर्स्ट किसी भी डायग्राम को फर्स्ट एंगल मेथड से और थर्ड एंगल मेथड से बनाने का मेनली रीजन यह है, समझने की कोशिश करिए। जैसे आप गेस करिए, जैसे यह है बॉक्स बना हुआ, समझने की कोशिश करिए, बहुत आसान है। जैसे यह बॉक्स बना हुआ है, इसको हम कह सकते हैं क्यूब भी कह सकते हैं, ऐसा नहीं है। यह बॉक्स देखिए और समझने की कोशिश कर लीजिए कि एंगल कैसे बने। हमने जैसे भी बता चुका था कि जो ऊपर से देखने से व्यू बनता है उसको टॉप व्यू बोलते हैं, जो साइड से देखने से व्यू बनता है उसको साइड व्यू बोलते हैं, और जहाँ से हमें प्रोजेक्शन देखने के लिए बोलेगा, जहाँ से देखेंगे उसके सामने का हिस्सा हमारा फ्रंट व्यू बनाता है। यह चीज़ समझने की कोशिश करिए। देखिए प्रोजेक्शन का मेन इस्तेमाल वहाँ होता है, जैसे मान लीजिए हमें कोई सर्किट डिजाइन करना है, या कोई मान लीजिए सिविल इंजीनियर की बात करता हूँ, जैसे घर डिजाइन करना है, तो हम तो घर को, होम को हम तो 3D में तो डिजाइन नहीं कर सकते ना, 3D में डिजाइन नहीं कर सकते, इसलिए हमें इस प्रोजेक्शन का इस्तेमाल हम डिजाइन वगैरह करते हैं। अगर कोई आपसे पूछे एक बार बताइए जो प्रोजेक्शन हम आइडिया ये पढ़ रहे हैं तो उसका मेनली इस्तेमाल कहाँ है, उसका मेनली इस्तेमाल है सर्किट डिजाइन या डिजाइन करना, कहाँ इस्तेमाल है सर्किट डिजाइन या फिर डिजाइन। और अदर भाषा में कहूँ, जैसे जहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट बनते हैं या फिर जहाँ पे मैकेनिकल कंपोनेंट बनते हैं, जैसे नट हो गया, नट में आपने पढ़ा होगा हेक्सागोन हो गया, पेंटागॉन भी आता है। तो ये जो डिजाइनें की जाती हैं, तो ऐसा नहीं होता कि ये डायरेक्ट कंपनी में डायरेक्ट जाओ मशीन में पुट करो और निकल आता, ऐसा कुछ नहीं होता। इसको डिजाइन करने के लिए हम पहले कंप्यूटर पे ग्राफिक्स पे डिजाइन करते हैं, इस पर डिजाइन करते हैं, याद रखिएगा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको हम ग्राफिक्स पे डिजाइन करते हैं, कहाँ पर डिजाइन करते हैं ग्राफिक्स। अगर कोई पूछ ले तो अच्छा सर ग्राफिक्स पे डिजाइन करते हैं लेकिन सॉफ्टवेयर का नाम क्या होता है, तो याद रखिएगा यह आईडिया में नहीं पूछा जाता, लेकिन याद रखिएगा जिंदगी में जो हम कोई भी चीज़ डिजाइन करते हैं उसके लिए सॉफ्टवेयर आता है CAD, क्या आता है CAD, CAD का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, क्या फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। यह आपका आईडिया से आउट लेवल का है। यह अगर कोई आपसे पूछे तब की बात है कि बताइए डिजाइन कहाँ करते हैं, किस सॉफ्टवेयर करते हैं, तो आपका मेनली CAD है। अब यहाँ समझने की कोशिश करते हैं जो यह प्रोजेक्शन हमने दिखाया हुआ है, इसको फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल में कैसे बनाएंगे, कैसे समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अभी जो प्रीवियस ईयर का एग्जामिनेशन हुआ था, तो इतना सिर्फ चीज़ जो इतना यह चीज लिखा हुआ है, इतना चीजें आपके 10 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, सिर्फ यह डायग्राम बनाने के लिए। जो यह डायग्राम बना हुआ है यह फर्स्ट एंगल का नोटेशन है, क्या है
नोटेशन है, फर्स्ट एंगल का नोटेशन है और यह जो नोटेशन है यह सेकंड एंगल का नोटेशन है। यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 2019 के क्वेश्चन में यह चीज 10 मार्क्स में पूछा गया था। उम्मीद करते हैं कि यह सब चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी और कल जब हम डिस्कशन करेंगे प्रोजेक्शन के बारे में, जैसे फर्स्ट एंगल मेथड से कैसे प्रोजेक्शन निकालते हैं, थर्ड एंगल मेथड से कैसे प्रोजेक्शन निकालते हैं, यह प्रोजेक्शन एक एक करके, जैसे कल हम आपको क्या पढ़ाएंगे, कल हम आपको फर्स्ट एंगल मेथड से आपको प्रोजेक्शन बताएंगे। उसमें बहुत सारे चीज़ों का प्रोजेक्शन रहेगा, जैसे आपको क्यूब का हम प्रोजेक्शन निकालने बताएंगे, आपको पेंटागॉन का प्रोजेक्शन निकालने बताएंगे और बहुत सारे इक्विपमेंट, जैसे देखिए समझने की कोशिश करें, जैसे यह 3D डायग्राम बना हुआ है, आपका यह 3D डायग्राम बना हुआ है, इसका प्रोजेक्शन हम कैसे निकालेंगे यह चीज में समझने की कोशिश करेंगे। ये जो प्रोजेक्शन आपका बन रहा है इसका प्रोजेक्शन हम कैसे निकालेंगे यह भी हम समझने की कोशिश करेंगे। कल जो हमारा मेनली टॉपिक रहेगा वह फर्स्ट एंगल मेथड रहेगा। आप लोगों को क्या क्या जरूरत पड़ेगी बनाने के लिए चीज़ ध्यान रखिएगा। आपको मेनली चीज़ें जरूरत पड़ेगी आप पेंसिल रखिएगा अपने पास, पेंसिल वो भी कौन सी, एक HB पेंसिल रख लीजिएगा और एक 2 इंच पेंसिल रख लीजिएगा, बस ये दोनों पेंसिल में आपका पूरा काम हो जाएगा। फिर इसके बाद आप रखिएगा अपने पास स्केल में कौन सी, प्लेन स्केल रखिएगा और प्लेन स्केल के बाद अपन उसको डिवाइडर कहते हैं, डिवाइडर रख लीजिए, बस इतनी चीज़ें आप अपने पास रख लीजिएगा। तो कल के टॉपिक में हम आज फर्स्ट एंगल मेथड पढ़ेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों में पहुँचाइए। और यह जो क्लासेसें हैं संकट मोचन ITI से रिलीज की जा रही हैं और आप सभी बच्चे देखें और इसका लुत्फ उठाएँ। नमस्कार।